फैन बॉलर हैं, पहली बार स्ट्राइक पर होंगे उत्कर्ष, ऑलराउंडर खिलाड़ी जौनपुर टेकाही के। एक बार फिर नीरज बम्बैया अंपायर को पार किया, काफी अच्छी गेंद और उसे सीधा लॉन्ग आर्म के ऊपर से खेला, निश्चित रूप से बाउंड्री के पार 6 रन। दर्शक महोदय भैया गेंद को पहुंचा दे मैदान पर, इस छक्के के सहारे जौनपुर टेकाही का स्कोर उछलता हुआ 13 रन। शॉर्ट गेंद की पूरी निगाहें खोली और लॉन्ग आर्म सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए उत्कर्ष, और ये गेंद को निकाल दिया गया क्या रनों के लिए। इस एक और चौके सहारे स्कोर टेसाही का 17 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों जौनपुर टीम के खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज धमाकेदार शुरुआत करते हुए जानते हैं कि यहां पर 222 रनों का विशाल स्कोर, और गेंद को लॉफ कर दिया है, गेंद जा रही है मिश्रा। इस छक्के को देखकर मुझे एबी डिविलियर्स की याद आ गई, वो अंतिम गेंदों में तूफानी तेवर दिखाया करते थे, इसी तरीके के शॉट लगाया करते थे। ये लगा भूपत चाट भंडार छक्का, कल्लू चाट भंडार चौका, और गेंद को निकाल दिया, गेंद जा रही है लगा बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन दौड़कर पूरा करते हुए खिलाड़ी निश्चित रूप से यहां पर अगर एक दो ओवर गगन से कराते हैं। परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी करने आए हैं शतकवीर बल्लेबाज जय भगवान, सामने होंगे 7 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे उत्कर्ष। पहली बार दौड़ना प्रारंभ किया, निश्चित ही गेंद हमारे सीधा फाल्गुन गिरी पे विंड की ओर गिरी 6 रन। इसे एक और छक्के के सहारे स्कोर हुआ 83 रन बगैर किसी नुकसान के जौनपुर टेकाही का। लंबे गत के बल्लेबाज उत्कर्ष लंबे लंबे शॉट खेलते हुए, और यह गेंद को उठा दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग आर्म सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दर्शक तुरंत मैदान पर गेंद पहुंचा दिया करे, इस छक्के के सहारे स्कोर हुआ 89 रन, पांचवा ओवर प्रगति पर 35 रन।